हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो चांद सोलर का सोलर पैनल है वो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है मार्केट में, और जो जो नया नया इसको परचेस करने जाएगा उसको मन में तो डाउट होगा ही होगा कि इसका एम्पियर कितना देता है, इसका वोल्टेज कितना देता है और इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कैसे है। तो ये सारी डाउट है वो आज आप क्लियर करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे इसका परफॉर्मेंस। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग छत पे आ चुके हैं और ये हमारा सूरज एकदम ऊपर है और आप टाइम में देख सकते हैं 11:58। तो ये है हमारा जान सोलर और ये है 165 वाट का पैनल और इस साइड में 200 वाट का। तो इसको मैंने खोल देता हूँ यानी कि डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जान सोलर का पीछे जानसन बस लगी हुई है और मैंने येलो कलर से इसको प्लस कर दिया। आप देख सकते हैं इधर मल्टीमीटर है और इसको मैंने सेट कर देता हूँ अपने हिसाब से। और आप देख सकते हैं कि इसका जो वायर है ये 6 mm का है और इसको मैंने अलग कर दिया है। पीछे स्टिकर से पता चलेगा कि इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस कितना है। दोस्तों, मैंने इसका जो जंक्शन बॉक्स है उसको ओपन कर लूँगा क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो वायर वगैरह का लॉसेस है उसको भी मैंने मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ। जो पैनल जनरेट करेगा वही डायरेक्ट जंक्शन बॉक्स से आपको दिखाऊंगा। तो यूट्यूब में ये कोई नहीं दिखाएगा आपको, मैं डायरेक्ट इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग मेजरमेंट करेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए प्लस के जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस प्रोब्स को बिठा लेते हैं। और मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज दिखा रहा है 20.234 यही चल रहा है। तो हमारा वोल्ट काफ़ी अच्छा है। आप मेजरमेंट करेंगे इसका जो एम्पियर उसको, तो एम्पियर मेजरमेंट करने के लिए इसको एम्पियर सेट कर देता हूँ और जो प्लस में और माइनस के माइनस में। दोस्तों, ध्यान रखिए इसको आप 2-3 सेकंड होल्ड कीजिए तो आप देख सकते हैं 6.84 एम्पियर शो कर रहा है। ये जो एम्पियर है ये है शॉर्ट सर्किट एम्पियर, देखिए आप 6.9 आ गया है। तो आप इसके देख सकते हैं कि 9 एम्पियर जो आना चाहिए शॉर्ट सर्किट का 9.36। आप देख सकते हैं इधर जो 3.5 एम्पियर हमारा लॉसेस हो रहा है। आपको एक बार हमारा जो सूरज है उसको दिखा देता हूँ, एकदम ऊपर है। तो हम लोग सीधा सीधा कैलकुलेशन में चलते हैं। तो हमारा वोल्ट जो मिला था वो है 20.3 वोल्ट, यह है ओपन सर्किट वोल्ट यानी कि VOC, और इसका शॉर्ट सर्किट करंट मिला था 6.9 एम्पियर। तो हमारा वाट कैलकुलेशन करने के लिए जो फार्मूला है वो है वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो वोल्टेज मिला है 22.3 × 6.9 एम्पियर। तो टोटल हमारा निकल के आता है 150.87 वाट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखा है जानसला का परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हो जानसला खरीदना चाहिए या नहीं। आप याद रखिए ये ओपन सर्किट में जो टेस्ट किया है और लोड कनेक्शन में भी इसको टेस्ट करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।